भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, क्योंकि देखा जाए तो भारत की पहली स्पेस कंपनी ने अपना प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च कर दिया है श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस, जो विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर ही बना हुआ है। 6 मीटर ऊंचा ये रॉकेट है, जिसको 18 नवंबर के दिन दोपहर के 11:30 बजे लॉन्च कर दिया गया है। और इसी के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां पर सरकारी कंपनियां तो लगी हुई हैं स्पेस प्रोग्राम में, लेकिन उसी के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी अपने स्पेसशिप जो है लॉन्च करती है और सैटेलाइट को इंस्टॉल करती है उसमें ऑर्बिट में। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या मामला है, और इसी के साथ ये भी देखते हैं कि और कौन कौन से देशों की प्राइवेट कंपनियां हैं जो स्पेस प्रोग्राम में आगे बढ़ रही है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो द हिंदू का आर्टिकल है, विक्रम एस इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लिफ्ट ऑफ फ्रॉम इसरो स्पेस पोर्ट। श्रीहरिकोटा से ये जो स्पेस पोर्ट है वहाँ से ये लिफ्ट ऑफ हुआ है, यानी कि लॉन्च हुआ है। 18 नवंबर का आर्टिकल है ये। और इसके अलावा इंडिया टुडे, विक्रम एस लॉन्च हाईलाइट, स्काई रूट एसिस मेन लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्टली प्राइवेट मेड रॉकेट। यानी कि स्काई रूट जो है ना वो इस रॉकेट को बनाने वाली कंपनी है, और ये वही कंपनी है जो स्पेस सेक्टर में आ रही है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए 18 नवंबर 2022 के दिन भारत में इतिहास बन गया है, क्योंकि देखा जाए तो भारत में पहली बार एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने अपना पहला रॉकेट विक्रम एस को कुछ सैटेलाइट के साथ लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ ही देश में प्राइवेट कंपनियों की स्पेस और रॉकेट लॉन्च में एंट्री हो चुकी है। इससे पहले देश में स्पेस शिप या रॉकेट लॉन्च को सिर्फ और सिर्फ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सरकारी एजेंसी है, उसके जरिए ही किया जाता था। लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों को इस सेक्टर में आ जाने से अब प्राइवेट कंपनियों के लिए स्पेस इंडस्ट्री का सेक्टर जो है खुल गया है। और रॉकेट का जो नाम है ना वो है विक्रम एस, जो भारत के फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। विक्रम का विक्रम पूरा आ गया और साराभाई का एस आ गया, यानी कि बन गया ये विक्रम एस। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ इसकी। 5 4 3 2 1 Event number 96 completed. And we have a successful liftoff of Vikram S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center, where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds and at the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an aerodynamically stabilized vehicle. वैसे देखा जाए तो इसने 89.5 किलोमीटर के अल्टीट्यूड को टच किया, यानी कि ऊंचाई को टच किया, और इसकी रेंज जो है वो 121.2 किलोमीटर रही है। और ये सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ है जो स्काई रूट एयरोस्पेस स्पेस ने बनाया था। और इतना ही नहीं, इसका जो 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर हैं जिससे ये रॉकेट थोड़ा स्पिन भी करता है, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा है। इस टेक्नोलॉजी वाला ये रॉकेट दुनिया में पहले रॉकेटों में से एक है, यानी कि जो ज़्यादातर रॉकेट हैं वो इस टेक्नोलॉजी पर बने ही नहीं है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। वैसे देखा जाए तो भारत की प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होने से भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो इसरो के पास बहुत ज़्यादा काम होता है और लिमिटेड बजट भी होता है, तो उन्हें लिमिटेड बजट में ही अपना काम करना होता है। और ज़्यादा काम हो जाने की वजह से इसरो ज़्यादा रॉकेट लॉन्च भी नहीं कर पाता है। लेकिन इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के आने से पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर से पैसा आएगा और स्पेस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होगी, और दूसरी बात यह है कि इसरो को एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा जिससे इसरो और भारत सरकार अपने सैटेलाइट को प्राइवेट कंपनियों से भी लॉन्च करवा सकती है। और तीसरी बात यह है कि जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप के देश अपने सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के लिए अमेरिका का रुख करते हैं, वो देश अब भारत का रुख करेंगे, क्योंकि भारत इन देशों से ज़्यादा सस्ते में लॉन्च फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। तो प्राइवेट कंपनियों को स्पेस सेक्टर में आने से फ़ायदे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ अकेला देश है जहां पर प्राइवेट कंपनियां रॉकेट लॉन्च करती है, दूसरे देशों में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेटली ही रॉकेट को लॉन्च करती है और सैटेलाइट को ऑर्बिट में इंस्टॉल कर देती है। मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में भी। तो ये है वो कंपनियाँ और उनके देश जहाँ जहाँ पर अभी प्राइवेट कंपनियाँ लॉन्च हो रही है, जैसे कि सिर्फ इसमें मेनली 7 देश हैं, आपको मैं बता देता हूँ। USA में भी कई सारी कंपनियां काम कर रही है, जैसे कि एलोन मस्क की कौन सी है, स्पेस एक्स, फॉल्कन 9, फॉल्कन हैवी और सुपर हैवी, यानी कि ये
दो तीन रॉकेटों के जरिए ये अपनी स्पेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो जेफ बेजोस हैं, अमेजोन के जो फाउंडर हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, उनकी भी एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ऑरिजिन। इनके जो रॉकेट है उसका नाम है न्यू शेफर्ड और न्यू क्लैन, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, इसका भी एक रॉकेट है एटलस वी रॉकेट्स के नाम से है। और इसके अलावा ऑर्बिटल साइंस कॉर्प, एंटीरिस रॉकेट, यानी कि अभी यूएसए में चार प्राइवेट कंपनियां हैं जो स्पेस सेक्टर में काम करती हैं और रॉकेट को लॉन्च करती है। इसके अलावा फ्रांस की है एरियन स्पेस, एरियन 5 और 6 रॉकेट है इसके पास। और इसके अलावा इंडिया की जो इसरो है ये, लेकिन यहाँ पर सरकारी की बात नहीं हो रही है, प्राइवेट की हो रही है। तो यहाँ पर इंडिया की जो स्काई रूट एरोस्पेस है उसका भी विक्रम एस नाम का रॉकेट शामिल हो गया है। इसके अलावा जर्मनी की भी एक कंपनी है रॉकेट फैक्ट्री ऑक्सबर्ग, RFA-1 रॉकेट इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जापान में मोमो साउंडिंग रॉकेट नाम से इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी अपनी स्पेस सर्विस प्रोवाइड करती है। और रशिया की लिन इंडस्ट्री का बनाया हुआ ताइमार रॉकेट है, ये भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन अभी ये स्मॉल लेवल पर ही करता है। इसके अलावा चाइना की कई सारी कंपनियां हैं, जैसे कि गैलेक्टिक एनर्जी Ceres-1 नाम का एक रॉकेट के जरिए स्पेस सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आई स्पेस करके है, उसका रॉकेट है Xian-Quixian-1 या फिर इंग्लिश में Hyperbola-1। इसके अलावा एक और कंपनी है लिंक स्पेस, ये जो लिंक स्पेस कंपनी है ये बहुत तगड़ा वाला रॉकेट यूज़ करती है। इसका जो है ना रॉकेट RLV-T6 रॉकेट जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये, यानी कि इसको एक बार स्पेस में छोड़ने के बाद ये वापस भी आ जाएगा और इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एडवांस कंपनियाँ भी शामिल हो रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि स्पेस इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए @IIMRANSiddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है IIMRANSiddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।